मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ की विभागीय समिति की बैठक आज जोन क्रमांक 16 में संपन्न हुई। प्रांत अध्यक्ष साबिर खान ने नगर निगम 25 दिवसीय कर्मचारियों को संबोधित किया। प्रांत अध्यक्ष साबिर खान ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 सालों से कार्य कर रहे नगर निगम में सफाई कामगार, जिनकी नगर निगम भोपाल में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। 25 दिवस से कर्मचारी अपनी नियमित मांगों को लेकर आने वाले समय में उग्र आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। बच्चे दिवस के कर्मचारियों को नगर निगम स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जिससे इनकी माली हालत भी ठीक हो सके। 25 दिवसीय कर्मचारियों ने हुंकार भरते हुए बताया कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले 5 साल और 11 तारीख को नगर निगम का घेराव किया जाएगा और भोपाल भर में सफाई कामगार किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। प्रांत अध्यक्ष साबिर खान ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए बताया कि आपकी मांगों को नगर निगम भोपाल और प्रदेश सरकार तक ले जाऊंगा और आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास रहेगा। साबिर खान ने यह भी कहा कि हमें सभी संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है और इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो, नहीं तो आने वाले 11 तारीख को इन कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरे भोपाल में कामगारों की हड़ताल हो जाएगी। ये साबिर भाई, आज जोन 16 में आपका यहाँ पे 25 दिवसीय कर्मचारियों के लिए आंदोलन चल रहा है और लगातार आप 10 दिनों से कार्य कर रहे हैं, तो आज क्या यहाँ पे क्या रूपरेखा बनी है? जैसा कि आपको पता है आदरणीय सम्मानीय हमारे पत्रकार बंधुओं के, हमारे संगठन की 5 सूत्री मांगे हैं नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर। 25 दिवसीय प्रथा समाप्त करना, विनियमित को नियमित करना, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है मूल पद से संबोधित करें, सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करें, एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दें, हमारे संघों का पत्रों का जवाब दें हमारे संगठन को, परमरदात्री की बैठक आप समय पर करें, हमारे पदाधिकारियों को परेशान ना करें, ये हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। एक दिन का साप्ताहिक अवकाश भी नहीं देते हैं। इन सभी मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन को जो हमने पत्र लगाया है, उस पत्र लगाने का अभी तक कोई सार्थक जवाब हमारे पास नहीं आया, तो हमें ये लग रहा है कि शायद नगर निगम प्रशासन आंदोलन पसंद है और वो चाहता है, वो मजबूर कर रहा है नगर निगम प्रशासन के आप तो आंदोलन करो, तो उसी की तैयारी जोन बाई जोन हमारा संगठन कर रहा है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, मेरे नगर निगम के अध्यक्ष इरफान भाई जा रहे हैं, हमारे सारे पदाधिकारी हैं, मीडिया प्रभारी, सभी लोग हमारे जितने नगर निगम के पदाधिकारी वो जा रहे हैं। जोन बाई जोन हम तैयारी कर रहे हैं और नगर निगम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि यदि आपको आंदोलन पसंद है तो हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और आंदोलन ऐसा करके दिखाएंगे जैसा आपने नगर निगम में पहले कभी नहीं देखा होगा। नगर निगम का कर्मचारी, एक एक कर्मचारी इस टाइम पीड़ित है। 25 दिवसीय प्रथा से वो इतना ज्यादा पीड़ित है कि उसको 20-20 साल 25 दिवसीय कर्मचारी रहते हुए होगा लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। विनियमित कर्मचारी को कोई सुविधा नहीं है, जो काम जो व्यक्ति कर रहा है उसका मूल पद नहीं है, काम कुछ भी ले रहा हो लेकिन उसको श्रमिक कह रहा हो, हम कह रहे हैं कि रहे श्रमिक कहना बंद करो, साप्ताहिक अवकाश का लाभ नहीं मिलता, संगठन पत्र लगाता जवाब नहीं मिलता, परमरदात्री की आप बैठक नहीं करते। इन्हीं सारी मांगों को लेकर जोन बाई जोन हमारी एक विशाल जो आंदोलन होने वाला है, 5 तारीख को सभी प्लांटों पर हमारी सभा होगी, विशाल सभा होगी, और 7 तारीख को मुख्यालय घरा होगा, और 7 तारीख के बाद भी यदि नगर निगम प्रशासन से हमारी सार्थक चर्चा नहीं हुई और मांगे पूरी नहीं हुई तो 11 नवंबर से पूरे नगर निगम में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, कोई भी काम नहीं होगा, ना कहीं सफाई होगी, ना कोई कचरा गाड़ी चलेगी, पूरे शहर में शायद गंदगी का आलम होगा, इसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। तो उसी के संबंध में आज जोन 16 की हमारी बैठक है, मदन भाई है हमारे, विशाल भाई है हमारे, सभी लोग जोन 16 के हमारे सारे बहादुर साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, अच्छी संख्या में लोग आ गए और उन सबने ये मुझसे वादा करा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो आंदोलन होगा और आंदोलन तभी समाप्त होगा जब मांगे पूरी होंगी। तो आज हमारी तैयारी से हमें लग रहा है कि वाकई कर्मचारी भी ये चाहता है नगर निगम की इच्छा पूरी करना, क्या नगर निगम आंदोलन चाहता है, हम आंदोलन करके दिखाएंगे, नगर निगम ये चाहता है तो और भी कोई काम करो तो हम वो भी करने को तैयार हैं। अगर नगर निगम ये कह दे कि आप सब लोग अपने सर के बाल मुंडवा दो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सर के बाल मुंडवा देंगे लेकिन हमारी मांगे पूरी कर दो। सबसे पहले प्रांत अध्यक्ष साबिर खान बोल रहा हूँ कि अपने सर का एक एक बाल मुंडवा दूंगा यदि हमारे नगर निगम के कर्मचारियों की मांगे पूरी कर दोगे तो, लेकिन करो तो कम से कम कुछ शर्त रख दो। कोई शर्त आप रख नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे कि हमारी मांगे कैसे पूरी होंगी, क्या हम लोग जहर खा लें तब मांग पूरी होगी? 25 दिवसीय कर्मचारी, नगर निगम का कर्मचारी वर्षों से गंदगी का काम कर रहा है, कोई सुविधा आप उसको दे नहीं रहे, आधा तो वो वैसे ही मर गया,
गंदा काम कर करके आप काम लेके आ रहा हो, उससे पूरी गंदगी शहर की उससे साफ करवा रहा हो। कोरोना काल में भी आपने उसको आराम नहीं दिया, उससे बोला तुम तो ड्यूटी आओगे, शहर वालों से कह दिया आप लोग घर में रहोगे, और घर का जो कचरा रहेगा हमारे नगर निगम के साथी उठाएंगे। आधी जिंदगी तो बेचारों की वैसी खत्म हो गई है, आधी जो और कुछ बची आप वैसी निकाल दोगे। तो निवेदन है कि हमारे नगर निगम के कर्मचारियों की आप मांगे मान जाए और आंदोलन से बचे। यदि मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो 11 तारीख से विशाल हड़ताल होगी और हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। नगर निगम कमिश्नर से आपकी लगातार चर्चा चल रही है, यदि आपकी मांगे पूरी हो जाती तो फिर भी आप हड़ताल करेंगे? नहीं, मांग पूरी हो जाएंगी तो हड़ताल का कोई सवाल ही नहीं है। अरे भाई, हड़ताल तो तभी हो रही है ना जब मांगे पूरी होना है। अगर मांग पूरी हो जाती है तो हड़ताल उसी दिन समाप्त, और मांग पूरी नहीं होती है तो हड़ताल कभी नहीं होगी समाप्त। हड़ताल तो अब जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं होगी।